Hello dear student, welcome to your DLK Biology Smart Class and I am DL Kumar. Now today we are discuss the unit sexual reproduction in flowering plants के MCQs हम बात कर रहे हैं और ये MCQs set number 4 है. यदि आप NEET BHU ICAR set के exam दे रहे हैं या फिर first grade second grade की preparation कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत helpful होंगी और इसमें बहुत important question दिए गए हैं. चलिए अपन स्टार्ट करते हैं और अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बीज में रेफे तथा हाइलम किसको प्रदर्शित करते हैं. जो बीज में जो रेफे होता है या हाइलम होता है यानी नाभिका जो होती है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं और वो रिप्रेजेंट करते हैं भी बीजांड व्रंत को, क्योंकि ये दोनों भाग उसी में होते हैं. यदि मैं बात करूं यहां पर ये अपना भ्रूणकोश है, ये अपना बीजांडकाई है और इस बीजांडकाई में ये बाहें अध्यावरण हो गया है, सॉरी अंत अध्यावरण, और ये अपना हो गया है बाहें अध्यावरण, और इस बाहें अध्यावरण में ये है बीजांडव्रंत, बीजांडव्रंत, और इसमें ये वाला जो भाग है जहां पर सॉरी ये वाला जो भाग है ये कहलाता है हाइलम या नाभिका, नाभिका जहां से बीजांड और बीजांडव्रंत जुड़े होते हैं, और ये जो ब्रीव रचना है ये कहलाती है रेफे, जो कि दोनों भाग किसके हैं भी ये हैं बीजांड व्रंत के. तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बीजांड व्रंत को. नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बीज में बीजांड द्वार किसके प्रवेश में सहायता करता पहुंचाता है. बीज में देखो, बीज में बीजांड द्वार किसको एंट्री में सहायता करता है और बीज में जो बीजांड द्वार है वो जल और वायु इसी से प्रवेश करते हैं जिससे बीज का अंकुरण होता है. जिसे अपने चने को बीज को हम गलाते हैं या अपन ने चने का बीज देखा हो इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पर एक चूप नामक रचना के रूप में और ये एक लाइन होती है और यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र होता है और इस छिद्र को ही हम क्या कहते हैं भी बीजांड द्वार कहते हैं, जो कि बीजांड में बीज द्वार के रूप में रह जाता है क्योंकि बीजांड से ही बीज बनता है. तो जो जल और वायु के प्रवेश को सुगम बनाता है जिससे बीज अंकुरित होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें गुरु बीजाणु पर्ण, गुरु बीजाणु पर्ण कहलाता है. देखिए ये वर्तिकाग्र है और ये वर्तिका है और ये अंडाशय है और इस जायांग के एक सदस्य को हम स्त्री केसर कहते हैं, स्त्री केसर, या फिर इसे अंडक कहते हैं, अंडक, या इसे गुरु बीजाणु पर्ण के नाम से जानते हैं. तो देखिए यहां पर अंडक अपना राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि जायांग इनके समूह को कहते हैं, यानी अंडप के समूह को क्या कहते हैं भी जायांग कहते हैं. अंडाशय यदि हम बात करें तो ये नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है. और यदि हम बात करें वर्तिकाग्र की तो वर्ति जो काग्र है वो है भाई ये वर्तिकाग्र है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा अंडप. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं यहां पर, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देखें यहां पर और अपना क्वेश्चन है परिपक्व पराग कोष में कितने पराग प्रकोष्ठ उपस्थित होते हैं. तो अपन एक मैच्योर पराग कोष की बात करें बिटा जी, तो मैच्योर पराग कोष यदि अपन देखें इस तरीके से मैच्योर पराग कोष है और ये यहां पर ये योजी है, कनेक्टिव है, और ये एक पराग कोष ये इसमें हो गया पराग कोष एक और दूसरा ये हो गया पराग कोष, तो दो पराग कोष दिख रहे हैं अपने को, तो ये अपना राइट आंसर होगा. और इनमें माइक्रोस्पोरेंजियम या अपन कहें लघु बीजाणु धानियां चार होती है टोटल, क्योंकि एक लघु बीजाणु धानी यहां, दूसरी लघु बीजाणु धानी यहां, तीसरी लघु बीजाणु, चौथी लघु बीजाणु दानी यहां पर, तो चार माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं और दो पोलन सैक होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बात करें और नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस बीजांड में एक कोशिकीय बीजांड काय उत्तक होता है वह बीजांड कहलाता है टैनिन्यूसिलेट. राइट आंसर अपना टैनिन्यूसिलेट है.
जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीजांड का अगर अपन बात करें, बीजांड काई के आधार पर बीजांड के दो प्रकार है। नंबर एक है क्रेसी न्यूसिलेट और एक है टेन्यू न्यूसिलेट। क्रेसी न्यूसिलेट में मोटा होता है और मल्टी कोशिकीय होता है, यानी बहुकोशिकीय होता है, बहुकोशिकीय होता है। और टेन्यू में एक कोशिकीय लेयर के रूप में होता है और पतला होता है, पतला और कम विकसित होता है। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा टेन्यू न्यूसिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलें, और बीजांड द्वार पर आंतरिक अध्यावरण के लंबाई में बढ़ने से जो संरचना बनती है कहलाती है, वो कहलाती ऑपरकुलम। तो अपना राइट आंसर होगा भी ऑपरकुलम। और ये ऑपरकुलम जो रचना है लेमना जैसे पादपों में उपस्थित होती है, लेमना में उपस्थित होती है। सार्कोटेस्टा जब रचना बनी है, बाहें गुद्देदार मोटी हो जाती है, उसे अपन सार्कोटेस्टा कहते हैं। और ये मैग्नोलिया पादपों में बनती है, मैग्नोलिया में सार्कोटेस्टा होता है। कैरेंकल जो होती है वो गुंडी नुमा रचना होती है बीज के ऊपर ऐसे, और ये अरंडी में होती है, अरंडी में। एरिल जो है ये थर्ड आवरण के रूप में, थर्ड अध्यावरण के रूप में होती है, और ये लीची में होती है। भी किस में होती है? लीची में। तो अपना राइट आंसर होगा ऑपरक्यूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बात करें, जब बाहें अध्यावरण गुद्देदार हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे सार्कोटेस्टा कहते हैं, और ये अपना राइट आंसर है सार्कोटेस्टा। और ये होता है मैग्नोलिया में, मैग्नोलिया में सार्कोटेस्टा पाया जाता है। कैरेंकल अरंडी में होती है, ऑपरकुलम लेमना में होता है, और एरिल लीची में होता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो बीजांड व्रंत बीजांड से किस संरचना के द्वारा जुड़ता है? देखिए अपन बात करें बीजांड व्रंत, बीजांड के ये भ्रूणकोष है, जहां पर ये एग सेल, ये सिनिग्रिड सेल, ये एंटीपोड पोलर न्यूक्लियस, और ये एंटीपोडल सेल है भी। और इसमें ये बीजांड काई है, और ये क्या है भी? अंत अध्यावरण, और ये है बाह्य अध्यावरण। और ये अपना क्या बन गया भी? ओव्यूल बन गया। ये है बीजांड व्रंत, अपन बात करें बीजांड व्रंत, और यहां पर ये जुड़ा हुआ है, और इसी को हम कहते हैं नाभिका, नाभिका या हाइलम कहते हैं, हाई लम। और इस हाइलम से ही ये जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना नाभिका। बीजांड व्रंत मैंने बता दिया, रेखे ये यहां रेखे होता है, और बीजान्यासन जहां पर ये अक्ष से जुड़ा होता है, ये भाग बीजान्यास कहलाता है, बीजान्यास कहलाता है, प्लेसेंटेशन जिसे अपन कहते हैं। तो राइट आंसर अपना नाभिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, प्रतीप बीजांड में बीजांड द्वार उपस्थित होता है भी, प्रतीप बीजांड में बीजांड द्वार कैसा होता है? और जो अभी अपन ने बात किया था बीजांड, वो प्रतीप बीजांड ही था। तो दोबारा अपन बनाए, देखिए ये अपना बीजांड काय हो गया, ये भ्रूणकोष हो गया, ये बीजांड काय, और ये हो गया अंत अध्यावरण, और ये हो गया बाह्य अध्यावरण, और ये अपना ओव्यूल बन गया। इस ओव्यूल में देखिए ये है बीजांड द्वार, बीजांड द्वार, और ये है बीजांड व्रंत, बीजांड व्रंत। तो ये कह रहा है प्रति बीजांड में बीजांड द्वार उपस्थित होता है बीजांड व्रंत के समीप। देखो बीजांड व्रंत के समीप है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, बीजांड की कौन सी रचना अंत में अपरिवर्तनशील रहती है? बीजांड की कौन सी रचना अपरिवर्तनशील रहती है भी? तो देखिए भ्रूण कोष तो परिवर्तित तो होकर भ्रूण कोष में बदल जाता है। भ्रूण कोष में अत्यावरण से बीज चोल बन जाता है भी, बीज चोल। बीजांड व्रंत से अगर अपन बात करें तो बीज व्रंत बन जाता है, और बीजांड द्वार ऐसे कैसे ही उपस्थित होता है बीज में? ये बीजांड द्वार जो कि बीज द्वार के रूप में उपस्थित है, और इससे जल वायु प्रवेश करती है, जिससे बीज क्या होता है? अंकुरित हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। तो राइट आंसर आप अपना होगा बीजांड द्वार।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बात करें और नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्सेला की पराग कोष की एंडोथीसियम की क्या विशेषता है। कि कैप्सेला की जो पराग कोष की जो एंडोथीसियम लेयर है जिसे अपन अंतस्तर भी कह रहे हैं वो कैसी है और ये रूप से सुदर्गित होती है। यस राइट है। सेलुलोज का स्थूलन होता है। यस राइट है। अल्फा सेलुलोज की बनी हुई कैलोज बैंड पाए जाते हैं। आद्रता ग्राही नेचर की होती है। यस आद्रता ग्राही नेचर की भी होती है। तो उपरोक्त सभी यस ये अपना राइट आंसर रहेगा क्योंकि ये सभी एंडोथीसियम लेयर की विशेषता है कैप्सेला की और बाकी अदर पादपों में भी इसी तरीके की होती है। तो ये अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें पुष्प में अर्धसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में पाया जाता है। पुष्प में अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस किसमें होता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका तथा गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। यस ये राइट आंसर अपना। देखो अपन बात करें बीजाणु जनसेल, ये बीजाणु जनसेल होती है। इनसे क्या बनती है भी एक लघु बीजाणु मात्र सेल, लघु बीजाणु मात्र सेल और इसी प्रकार से गुरु बीजाणु मात्र सेल बनती है और इनके अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु बनते हैं लघु बीजाणु और इनके अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणु बनते हैं गुरु बीजाणु। तो यहां अर्धसूत्री विभाजन हो रहा भी अर्धसूत्री विभाजन तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चले। निम्न में से किस प्रकार का भ्रूण कोष आवर्त बीजियों में सबसे अधिक पाया जाता है। भ्रूण कोष आवर्त बीजियों में, और देखिए भ्रूण कोष जो आवर्त बीजियों में होता है वो पॉलीगोनम प्रकार का होता है जिसमें एक एग सेल होती है, दो सिमिग्रिड या साइड सेल होती है, एक सेंट्रल सेल होती है और तीन एंटीपोडल सेल होती है। ये पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोष है जो एक बीजाणु यानी एक सक्रिय गुरु बीजाणु से बना है, एक सक्रिय गुरु बीजाणु से बना है और ये एट जो है एट इसमें न्यूक्लियस होते हैं और सेवन सेल होती है इनमें, इनसे बना है जिसे पॉलीगोनम प्रकार का कहते हैं। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बात करें कई पादपों में लैंगिक जनन अलैंगिक जनन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है इसे कहते हैं और इस प्रकार के जनन को अपन एपोमिक्सिस या असंग जनन कहते हैं। जहां यदि मैं बात करूं कि एपो जो मिक्सिस जो वर्ड है ये दो वर्डों से बना है एपो एंड मिक्सिस, और एपो मींस होता है एब्सेंट और मिक्सिस होती है मिश्रण यानी जहां जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर नहीं होती ऐसे जनन को एपोमिक्सिस कहते हैं। और यहां मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, उत्पन्न संतान को क्लोन कहते हैं और एपोमिक्सिस जो वर्ड है वो विंकलर के द्वारा दिया गया है। तो ये अपना राइट आंसर होगा और ये जेट एग्जाम 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ एपोमिक्सिस जो कि बीज के रूप में रिप्रेजेंट करता है, ये बीज को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें भी और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एंडोस्टॉम एंड एक्सोस्टॉम किसके भाग है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। तो देखिए अपन बात करें यहां पर ये है अपना भ्रूण कोष और ये यहाँ बीजांडकाय के रूप में है और यहां पर ये अंत अध्यावरण है और उसके बाद ये बाह्य अध्यावरण है और देखिए ये अगर अपन बात करें बाह्य अध्यावरण में और ये अपना यहां पर बीजाणु व्रंथ के रूप में होता है। तो देखिए यहां पर ये जो भाग है ये बीजाणु द्वारका जो कि किससे बना है भी, ये बना है अंत अध्यावरण से और इसे कहते हैं एंडोस्टॉम। क्या कहते हैं इसे, एंडोस्टॉम। और ये बाएं अध्यावरण से बना है और इस भाग को कहते हैं एक्सोस्टॉम बोलते हैं इसे, और ये बीजाणु द्वार को भागों को रिप्रेजेंट कर रहा। तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा भी, ये बीजाणु द्वार के भागों को रिप्रेजेंट कर रहा। एंडोस्टॉम बीजाणु द्वार का आंतरिक भाग है
और एक्सोस्टोम बीजाणु द्वार का बाहरी भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, आवासीय भ्रूण कोष किससे प्राप्त होता है? आवासीय भ्रूण कोष बीजांडकाय से प्राप्त होता है। बीजांडकाय से जब अगर अपन बात करें एटोमिक्सिस, तो वहां पर सीधे क्या बन जाता है, भी एमएमसी सेल बन जाती, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बन जाती, और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बिना अर्शत्री विभाजन से गुरु बीजाणु बनते हैं, और गुरु बीजाणु से एक 2n गुरु बीजाणु से एक भ्रूण कोष बन जाता है। तो यहां अपना राइट आंसर होगा बीजांडकाय। नेक्स्ट अपन बात करें, एंडोथीलियम किससे विकसित होता है? एंडोथीलियम एक तरीके से अपन बात करें तो ये अध्यावरण का ही भाग है। जब वो एंडोथीलियम के समान हो जाती तो उसे अपन एंडोथीलियम कहते हैं, और ये अध्यावरण से विकसित होती, तो अपना राइट आंसर होगा भी अध्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलें, प्लेम्बेगो पादप में किस प्रकार का भ्रूण कोष पाया जाता है? प्लेम्बेगो में किस प्रकार का भ्रूण कोष पाया जाता है, और वो होता है चतुर्बीजाणु। देखिए अपन बात करें, एक सक्रिय गुरु बीजाणु से जब क्या बने, भी भ्रूण कोष बने, भ्रूण कोष बने, तो इसे एक बीजाणु बोलते हैं। दो गुरु बीज, जब दो गुरु बीजाणु, या अपन कहें ये दो गुरु बीजाणु है, और इनसे क्या बने, भी भ्रूण कोष बने, तो इसे हम क्या कहेंगे, भी द्विबीजाणु। चतुर्बीजाणु जब चारों गुरु बीजाणु केंद्रक, यानी जैसे अपन कहें कि ये बीजांडकाय और ये इसमें चार गुरु बीजाणु थे, इन चारों गुरु बीजाणु के केंद्रकों से क्या बन रहा, भी भ्रूण कोष बन रहा है, तो उसे चतुष कहेंगे। और प्लेम्बेगो में, इसके अलावा फर्टिलेरिया पादपों में चतुर्बीजाणु प्रकार का भ्रूण कोष ही पाया जाता है। एक बीजाणु पॉलीगोनम में होता है, द्विबीजाणु इलियम में होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पराग नलिका की वृद्धि किस प्रकार की होती है? पराग नलिका में किस प्रकार की वृद्धि पाई जाती है? तो हम बात करें, यहां पार्श्व वृद्धि नहीं होती है, शीर्ष वृद्धि। यस, राइट आंसर अपना शीर्ष वृद्धि है, कि पराग नलिका में कैसी वृद्धि होती है शीर्ष, क्योंकि अगर अपन बात करें यहां पर ये पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट होते हैं, और ये पोलन ट्यूब होता है, और ये मेल गैमिट होते हैं, ये नर युग्मक है, नर युग्मक, और इसमें जो वृद्धि होती है वो ये शीर्ष के द्वारा वृद्धि होती है, तो शीर्ष वृद्धि पाई जाती है। तो राइट आंसर अपना ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक बीजाणु 8 केंद्रीय भ्रूण कोष है भाई, वो है पॉलीगोनम प्रकार का होता है। पॉलीगोनम, जैसा कि अपन बात करें, पॉलीगोनम प्रकार का एक बीजाणु और 8 केंद्रीय और 7 सेल क्या होता है, अभी भ्रूण कोष होता है, एम्ब्रियो सेक होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।